नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ पावर पॉइंट को यूज करके किसी भी पोर्ट्रेट में ग्लो लाइन इफेक्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो इस पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल बना रहे हैं किसी वीडियो के लिए, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई पोस्टर भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो वेरियस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप लोग पावर पॉइंट में इसको बनाएंगे, तो इसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इसके लिए मैं जाऊंगा न्यू स्लाइड ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं ब्लैंक स्लाइड चूज कर लूँगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर मुझको कलर भरना है, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे चला जाऊँगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर है देखिए ग्रेडियंट फिल, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मैं लीनियर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और दोस्तों डायरेक्शन ऑप्शन पर जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा लीनियर राइट। ओके, और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, और चाहे तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार से रख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको इमेज इंसर्ट करना है, तो दोस्तों इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो पहले से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट काम है, इसको मैं पूरा जूम कर लूँगा इस प्रकार से। ओके, अब दोस्तों यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ्री फॉर्म शेप। ओके, और दोस्तों यहाँ से मैं इस प्रकार से लाइन बना लूँगा। ओके, अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे लेकर आऊँगा और दोस्तों फिर से मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और दोस्तों इस प्रकार से मैं लाइन बनाता जाऊंगा। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग पूरा पोर्ट्रेट में लाइन बना लेंगे। अब दोस्तों मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और फिर इसके बाद मैं कंट्रोल पकड़ के इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, अब दोस्तों कंट्रोल जी से मैं इनको ग्रुप कर लूंगा। ओके, फिर दोस्तों मैं चला जाऊंगा शेप आउटलाइन ऑप्शन पे और यहाँ से देखिए जो व्हाइट कलर है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों मैं फिर से चला जाऊंगा शेप आउटलाइन ऑप्शन पे, यहाँ से मैं वेट सिलेक्ट करूँगा एंड 4.5 सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके, और यहाँ से देखिए इस इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्लो ऑप्शन। ओके, तो ग्लो ऑप्शन पर जाके देखिए जो कलर है, कलर पे जाके मैं आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करूँगा और दोस्तों इस कलर को मैं पिक कर लूँगा। ओके, और फिर उसके बाद देखिए इसका जो साइज है, इसका साइज मैं इस प्रकार से कर दूँगा इंक्रीज। ओके, तो इसको मैं 22 ले लेता हूँ। ओके, अब दोस्तों मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँगा और इस पिक्चर की ग्लो को चेंज करूँगा, तो इसके लिए मैं कलर ऑप्शन पर जाऊँगा, आई ड्रॉपर सिलेक्ट करूँगा और इस कलर को मैं फिर से पिक कर लूँगा। ओके, और इसके बाद देखिए जो साइज है, इसका साइज मैं इस प्रकार से इंक्रीज कर दूंगा। ओके, तो 150 मतलब जो हाईएस्ट है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद देखिए जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। ओके, तो 70 के आसपास आप इसको रखिए। ओके, तो दोस्तों देख पा रहे हैं जो पोर्ट्रेट है आपका रेडी हो चुका है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी पोर्ट्रेट में ग्लो लाइन डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस प्रकार की स्लाइड बनाना, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।